अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग भक्त अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं। ये भक्त अष्टकम माने ये जो 8 श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्लोका नंबर 13 से लेके 20 में पाया जाता है। और इस 8 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त में कौन कौन से गुण चाहते हैं उसके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो मेरे ख्याल से कल हमने ऑलमोस्ट ऑल 16 गुण पे चर्चा की और हमने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से आज फिर हम शुरू करेंगे। तो छोटा सा रीकैप देते हुए हमने चर्चा की कैसे भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त अद्वेषी हो, जिसमें किसी पे द्वेष ना हो, मैत्री भाव हो, दुख में सुख में वो समान भाव से रहे, क्षमा करे, सबको क्षमा करे, दयालु हो, निर्मम हो, निरअहंकार हो, संतुष्ट हो, हमेशा संतोष की भावना में रहे, सतत संतोष की भावना में रहे, योगी बन के रहे माने भगवान से हमेशा जुड़ के रहे, यतात्मा संयमी बन के रहे, जिसका दृढ़ निश्चय हो, जो किसी को परेशान नहीं करता, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया है, जिसके वजह से कोई परेशानी में नहीं पड़ता है और किसी और के परेशान करने से भी वो विचलित नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आज के श्लोक में हम चले जाएंगे श्लोका नंबर 16 पे। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। तो कल तक हमने इक्विपॉइस तक चर्चा की थी, कैसे हर्ष में भय में उद्वेग के सिचुएशन में भी वो स्थिर रहता है। आज भगवान बोल रहे हैं कि अनपेक्षा मेरा जो भक्त होता है वह अपेक्षा माने क्या, अपेक्षा माने इच्छा, एक्सपेक्टेशन अगर इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन चाहिए तो, अनपेक्षा माने जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब अगर आप देखो थोड़ा सा क्लोजली तो हर एक गुण दूसरे गुण के साथ में इंटरट्वाइंड है, राइट। अगर आप निर्मम हो, आप निरहंकारी हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हो तो श्योर आप अनपेक्षा ही रहोगे, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अगर आप सुख में दुख में संभाव से रहते हो। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे अनपेक्षा मेरा भक्त में कोई अपेक्षा नहीं होती है या कोई इच्छा नहीं होती है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, भक्त में इच्छा नहीं होती क्या? भक्त में होती है ना इच्छा, आपको होती है इच्छा? इच्छा तो सब में होती है। तो इतनी बड़ी बात भगवान बोल रहे कि इच्छा नहीं होती तो क्या भक्त को इच्छा नहीं होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे अनपेक्षा किस लिए बोला गया है, भक्तों में इच्छा तो होती है, भौतिक इच्छा नहीं होती, आध्यात्मिक इच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि भक्तों में इच्छा नहीं होती है, लेकिन उनको छोटी छोटी इच्छा नहीं होती, उनको बड़ी बड़ी इच्छा होती है। वे भगवान से कुछ मांगते नहीं है, उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पूरे पूरे भगवान चाहिए। आई बात समझ में? भगवान से नहीं चाहिए, उन्हें भगवान ही चाहिए, वे भगवान को पूरा पूरा चाहते हैं, इसलिए वे अनपेक्षा है, वे कुछ मांगते नहीं है, राइट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, उन भक्त की क्या इच्छा होती है, वो भगवत धाम जाना चाहता है, भक्त की इच्छा होती है वो भगवान की सेवा करना चाहता है। और भगवान की सेवा करने के इच्छा के पीछे भी कारण ये है कि वो भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, वो भगवान की सेवा कोई प्रसिद्धि के लिए या फेम के लिए या अपने अहंकार को पूर्ण करने के लिए या फॉल्स प्रेस्टीज के लिए नहीं करता, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करता है। तो भक्त जो है वो भगवान को ही पूरा पूरा चाहता है। इसलिए तो आप देखिए, एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में कोई आया था और उनसे कहने लगा कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड।
तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम गॉड, आई विल मेक यू ग्रेटर देन गॉड, तुम भगवान क्यों बनना चाहते हो, मैं तुमको भगवान से भी बड़ा बनाऊंगा। तो उसने कहा, भगवान से बड़ा कैसे बनते हैं? तो बोले, तुम भगवान के भक्त बन जाओ, तुम भगवान से बड़े बन जाओगे। जब भगवान का कोई भक्त बन जाता है तो भगवान से भी बड़ा बन जाता है। कैसे? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्त के कंट्रोल में हूँ, तो भगवान क्यों बनोगे, भगवान से भी बड़ा बन जाओ। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कैसे जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा गया कोड़े से, तो सुदर्शन चक्र को जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कभी भी भक्त कोई कठिनाई में हो तो भगवान की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके वो भक्त को बचा सकता है। तो सुदर्शन चक्र वहाँ पे पहुँच जाता है और हरिदास ठाकुर को जो कोड़ों से मार रहे थे उनको मारने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते कि हे सुदर्शन चक्र, तुम कुछ मत करो, मैं इनको क्षमा कर दो। अब उनकी बात तो सुननी पड़ेगी, तो सुदर्शन चक्र वापस आ जाता है। अब जब भगवान देखते कि वापस आ गए, तो भगवान फिर से भेजते कि मैंने तुमको बोला ना, जो उसको तकलीफ दे रहे तुम उसे मारो। अब सुदर्शन चक्र बोलता है, सॉरी सर, आपका इंस्ट्रक्शन मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि आपने ही तो बोला, आपसे आपके भगवान भक्त ग्रेटर है, तो आपके भक्त ने बोला है उनको क्षमा करना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर भगवान ने बोला, अरे बाप रे, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो फिर ठाकुर जी खुद गए और हरिदास ठाकुर को जो है पीछे से आलिंगन कर दिया, तो उनके पीठ पे जो कोड़े मार रहे थे वो भगवान के पीठ पे लगे। और फिर किसी दिन जब श्रीवास आंगन में भगवान भजन कीर्तन कर रहे थे, तो तब उन्होंने सारे भक्तों को दिखाया अपनी पीठ पे कोड़ों के निशान। तब भगवान ने देखा है कि देखो, हरिदास ठाकुर को उस दिन जब कोड़े मार रहे थे मैं उधर था, मेरे पीठ पे कोड़े लगे हैं, मैंने उसको बचाया है। ऑफकोर्स ये हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, ये सब जो है किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था कि चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए हुए हैं। तो बोलने का मतलब मेरा ये था इस एग्जाम्पल के द्वारा कि भगवान जो है भक्त के पराधीन है और भक्तों को और कोई अपेक्षा है ही नहीं, वो सिर्फ भगवान को संतोष देना चाहता है। इसलिए तो आप देखिए, प्रभुपाद जी ने शुरुआत के दिनों में ये बात सिखा दी थी भक्तों को कि कभी भी अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो तो आप ये 2-3 अक्षर ऐड करो, इफ़ यू सो डिज़ायर कृष्णा, इफ़ यू सो डिज़ायर। जैसे प्रभुपाद जी की एक बार तबीयत खराब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो उन्होंने तो भक्तों ने पूछा, क्या हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे गुरुजी की हाँ मतलब जो हेल्थ है उसकी रक्षा करिए या उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा बोलना है, कृष्णा इफ़ यू सो डिज़ायर, भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे गुरुजी की जो है रक्षा करिए। तो ये बात हमें सीखने वाली बात है। तो जो भक्त होता है उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। उसका और एक भी मतलब ले सकते हैं, भक्त को अपेक्षा जितनी होनी चाहिए या जहाँ होनी चाहिए वहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने ये क्लॉक है, अब क्लॉक से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? क्लॉक हमें समय दिखाता है, क्लॉक मुक्ति नहीं दे सकता। आज अगर मैंने शाल ओढ़ी है, शाल से मैं क्या अपेक्षा कर सकती हूँ? शाल मुझे गर्मी दे सकती है, शाल मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकती। शाल पहनने के बावजूद भी मुझे कोई अटैक कर सकता है, वो सिर्फ मुझे गर्मी दे सकती है। लेकिन भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में जितने भी लोग हैं, उनकी अपेक्षा ऐसी है कि जहाँ से जो चीज़ नहीं मिलती वहाँ से उस चीज़ की अपेक्षा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग सोचते हैं कि मेरे पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे बच्चों से मुझे सुख मिलेगा, मेरे धन संपत्ति से मुझे सुख मिलेगा, मैं अगर ज्ञानी हूँ तो मेरा ज्ञान मेरी रक्षा करेगा। नहीं, आप गलत जगह में गलत अपेक्षा रख रहे हो। आपको सुख तो सिर्फ भगवान से ही मिलेगा। समझ में आ रही है ना बात? जैसे ना एक बार ऐसा हुआ था, एक गाँव में बहुत सुंदर एक आम का झाड़ था, बड़ा सा वृक्ष था, और वो आम के वृक्ष के पास ही छोटी सी नदी थी। अब नदी में क्या हो रहा है, वो जो बड़े बड़े आम लगे हुए हैं झाड़ के ऊपर में, नदी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। सारे गांव वाले, छोटे बच्चे से लेके बड़े, जब नदी में वो आम का प्रतिबिंब देखते हैं तो सोचते हैं नदी के अंदर में आम है, तो सारे नदी के अंदर में खोदना शुरू करते हैं और आम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। किसी को मिलता नहीं क्योंकि आम तो वहाँ है ही नहीं, लेकिन सारे ढूंढ रहे। तो ऐसे कितने साल बीत गए, सब आम ढूंढते रहे। कुछ सालों के बाद में आम ढूंढते, कुछ लोग तो बूढ़े भी हो गए, और बूढ़े होने के बाद में उन्होंने क्या ना, बड़ी बड़ी किताबें लिखने शुरू कर दी कि कैसे आप उसके अंदर में आम ढूंढ सकते हो।
और उस किताब को सेल भी करने लगे। अब उस किताब में थोड़े थोड़े टिप्स दिए हुए थे, जैसे कि अगर आप आम ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हो तो आपको लूज़ फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए तो आप अच्छा से स्विम कर पाओगे, आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको सुबह शाम कपाल भारति प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि पानी के नीचे आपको सांस रोकना पड़ेगा आम ढूंढने के लिए, आपकी उम्र 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चे वहाँ ना जाए। अब आप मुझे बताइए, मैं जितनी भी टिप्स बोल रही हूँ क्या एक भी गलत है? गलत है, गलत नहीं है ना माता जी, सारी टिप्स सही है पानी के अंदर जाना है तो। लेकिन क्या मेरे टिप्स से आपको आम मिलेंगे? नहीं, आम नहीं मिलेंगे माता जी, लेकिन पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। बस यही बात है, संसार में भी यही हो रहा है। सब इतनी सारी टिप्स है, सारी सेल्फ हेल्प बुक्स है, कैसे शांति मिली जाए, कैसे हमें आनंद मिल सकता है, क्या हो सकता है, पर क्या वो बुक्स सही है? नहीं है, क्योंकि उसमें सही बात तो बता ही नहीं रहे हैं। फिर एक दिन उस गांव में एक बुद्धिमान आदमी आया और फिर उसने सब गांव वालों को बोला, आम यहाँ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर देखो, आम तो ऊपर पेड़ पे है। बस उसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि आनंद तो यहाँ है ही नहीं, तुम जो ये आनंद ढूंढ रहे हो इस भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत तो शाश्वत नहीं है, ये तो दुखालय है, तो यहाँ आनंद है ही नहीं। आनंद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम भगवान के साथ में जुड़ जाओगे। बस यही एक आध्यात्मिक गुरु काम करते। तो जो भक्त है उसे सही जगह में क्या अपेक्षा रखनी चाहिए पता है, वो सही जगह में अपेक्षा रखता है। समझ में आई बात? तो ये है, और जो ऐसा भक्त है भगवान को बहुत प्रिय है। क्या करना चाहिए हमें भी अगर हम अनपेक्ष होना चाहते हैं? शास्त्र पढ़ो, जब शास्त्र का ज्ञान होता है तब हमें पता चलता है कि ये संसार शाश्वत नहीं है। सी आप देखिए, कभी कभी ना छोटे बच्चे को आप कोई खिलौने की दुकान में ले जाइए, वो खिलौनों की दुकान में छोटे छोटे बंदर होते हैं, वो चावी मारेंगे तो बंदर नाचेगा, छोटा हेलीकॉप्टर होता है, प्लेन होता है, और उनको इतना अच्छा लगता है, बोलते मुझे ये चाहिए चाहिए, जिद करते हैं। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं, छोटा सा प्लेन को तुम क्या करोगे, मैं तुमको असली वाले प्लेन में ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ में। वो क्या बोलेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला प्लेन चाहिए, मुझे इसी में आनंद मिलता है। अब वो छोटे बच्चे ही जब बड़े हो जाते हैं, अब वो प्लेन उनको आनंद देता है, अब उनको वो प्लेन नहीं चाहिए। पहले वो प्लेन चाहिए था, अब क्यों नहीं चाहिए? ज्ञान आ गया ना, बड़े हो गए, उनको पता चल गया कि कोई काम का नहीं है वो प्लेन, है कि नहीं? उसी तरह से जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, तब हमें समझ में आ जाएगी कहाँ से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, राइट? अब हमें उस खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी हमें भौतिक खिलौनों में बहुत इंटरेस्ट है। भगवान भी हमें उसी तरह से बोलते हैं कि आ जाओ, मैं तुमको सच्ची वाला प्लेन, असली वाला वैकुंठ से प्लेन भेजूंगा, सोने का प्लेन जिसमें तुम बैठ के मेरे पास आ सकते हो। लेकिन हम भगवान को बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो इस भौतिक जगत में ही ऑडी कार चाहिए, काफ़ी है, मुझे आपके सोने का प्लेन नहीं चाहिए, मुझे तो ऑडी कार चाहिए, क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है। जिस दिन शास्त्र का ज्ञान होगा, उसका मनन करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बात को समझेंगे, तब हमें भी उसकी फ्यूटिलिटी जो है समझ में आ जाएगी। आपको पता है तुकाराम की एक कहानी आती है, कैसे जब तुकाराम जी के लिए वो आता है वैकुंठ से, उनके लिए विमान आता है, तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि चलो वैकुंठ से विमान आया है, मैं तुमको ले जाऊंगा। और फिर उनकी पत्नी बोलती है कि आप जाइए, मेरी तो भैंस, वो अपने ना बोरी में वो अपने घर से ना भैंस लेके आई थी, तो वो भैंस से उसका बहुत लगाव था, तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, अगर मैं आपके साथ वैकुंठ चली गई तो मेरे भैंस को कौन देखेगा, उसको नहलाना है खिलाना है, आप जाइए। क्या है, लैक ऑफ नॉलेज बताई नहीं। तो जो भक्त है वो अनपेक्ष है, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है, इसलिए जहाँ जो अपेक्षा करनी है वो वहीं अपेक्षा करेगा। सी दक्षिण भारत में बहुत ही फेमस कुछ भक्त थे जिनको कहा जाता था अलवार। अलवार माने तमिल भाषा में जो भक्ति में डूबा हुआ है, तो ऐसे दक्षिण भारत में बहुत ही पॉपुलर थे 12 अलवार। तो उसमें से एक अलवार की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इतना सिंपल था वो भक्त, कपड़ा जो पहना हुआ था वो भी फटा हुआ, और एक जो छोटा सा कपड़ा हाथ में था, एक दिन उसको बैठ के सी रहा था, क्योंकि एक दिन ये पहनेगा, उस दिन रात को धो के फिर सुखा देगा, नेक्स्ट डे दूसरा कपड़ा पहनेगा। तो फटा हुआ कपड़ा था, सिलाई करने की कोशिश कर रहा था, और शिव जी और पार्वती जी जो है वहाँ से चले जा रहे थे। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप इसकी मदद क्यों नहीं करते, कितना अच्छा भक्त है।
शिवजी हंसने लगे, बोले तुम्हें पता नहीं, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं ना बिल्कुल अनपेक्षा होते हैं, उनको कोई इच्छा ही नहीं होती है। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, आप पूछ के तो देखिए, कुछ तो मदद करिए, भक्त की सेवा हमें भी तो करनी चाहिए। अब जब वो मान नहीं रही थी तो भगवान ने बोला ठीक है चलो। तो शिवजी गए, शिवजी और पार्वती और अलवार के सामने खड़े हो गए। अब वो अलवार बहुत प्रसन्न, शिवजी का परम वैष्णव का दर्शन हो गया, तो शिवजी को प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। फिर शिवजी बोलते हैं कि मांगो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो ये बोलते हैं पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शिवजी बोलते हैं लेकिन कुछ तो मांगो, मैं आया हूँ ऑल द वे, पर मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। अब वो आसपास में देखता है क्या मांगू, फिर बोलता हाँ ठीक है एक चीज़ तो चाहिए। बोला हाँ क्या चाहिए? बोला मैं ना इस कपड़े को स्टिच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टिच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वो जो धागा होता है ना, उस सुई के अंदर में, सुई के अंदर में जो होल होता है उसमें डालेंगे ना। बोला कब से कोशिश कर रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा धागा सुई में डाल देंगे? अब शिवजी पार्वती की तरफ देख के हंस रहे, हो गया शांति, मैंने बोला था तुम्हें कैसे होते विष्णु के भक्त, लाओ सुई में धागा। उसने दूसरा कपड़ा नहीं मांगा, बोले बस ये सुई में धागा डाल दो, बाकी आपसे और क्या मांगे। ये है भक्त, ये है भक्त, उसको पता है क्या मांगना चाहिए। वो सोचता है क्या करेंगे इस टेम्प्रेरी संसार में, ये सारी चीज़ें मांग के मैं क्या करूँगा, इसको तो लेके जा नहीं सकता, यहीं छोड़ के जाना है। तो ये है भक्त का। सी हमारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए, अगर आप कोई वेटिंग रूम में है और आप रेलवे स्टेशन में ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में ये भाव आएगा, अरे वेटिंग रूम के रूम का वॉल का कलर ना पिंक मुझे पसंद नहीं आया। क्या आप बोलेंगे उनको जाके थोड़े से येलो कलर डालो ना, मुझे ये कलर पसंद नहीं। अरे तुम्हारे साथ क्या कंसर्न है, तुम्हारी ट्रेन आएगी तो तुम्हें चले जाना है। बस इसलिए भगवान के जो भक्त होते वे अनपेक्ष होते हैं, उन्हें कोई इच्छा है ही नहीं, उनको पता है बस यहाँ मुझे समय काटना है, मेरी ट्रेन तो, मुझे तो भगवत धाम वापस जाना है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है सुची। जो भगवान का भक्त होता है वो सुची है। सुची माने शुद्ध है, माने पवित्र है। कैसा पवित्र है? अंदर से भी पवित्र है और बाहर से भी पवित्र है। ऐसा नहीं कि बस बाहर में दिन में तीन बार नहाता है, सुंदर सा तिलक कंठी माला, वो 500 रुपये वाला भक्त नहीं है। वो जो 500 रुपये वाला भक्त होता है ना, 500 रुपये में तो कोई भी भक्त लग सकता है। आप लुई बाज़ार जाओ वृंदावन में, एक धोती खरीदो, एक कुर्ता खरीदो, कंठी तिलक जपमाला, आप सुंदर भक्त लगोगे। यानी वैसा वाला भक्त नहीं, जो भक्त अंदर से भी भक्त है बाहर से भी, अंदर और बाहर जिसका सेम है। एक कनकदास नाम का एक भक्त था, उसकी बहुत सुंदर कहानी आती है। वो व्यासराज के शिष्य थे। कनकदास जो है वो जाति से शूद्र थे और व्यासराज के जो अन्य शिष्य थे वो सारे ब्राह्मण थे। तो कभी कभी ना उनको लगता था कि हमारे गुरुजी इसको इतना प्यार क्यों करते हैं, हम सब ब्राह्मण हैं और इसको इतना प्यार। तो कनकदास के जो गुरु थे व्यासराज, वो समझ गए। एक दिन उन्होंने एक परीक्षा की, बोले सारे शिष्यों को मैं एक पीतल का पात्र देता हूँ, एक लोटा होता है ना पीतल का लोटा, 10 मिनट का समय देता हूँ, 10 मिनट के अंदर इस लोटे को एकदम चमका के लेके आना है, क्योंकि मुझे भगवान को जो है भोग धराना है इसमें। सब बोले ठीक है, सब भागे, नदी के किनारे गए, सब अच्छा से धो धा के लेके आ गए, गुरु जी के टेबल पर रख दिया। अब सबके जो पीतल के लोटे हैं चमक रहे हैं, कनकदास का लोटा चमक नहीं रहा है। और गुरुजी ने क्या किया, व्यासराज ने कनकदास को बुलाया और फिर इसको जोर से आलिंगन किया। सारे शिष्य सोचते इसका तो पीतल का लोटा चमक भी नहीं रहा है, हमारा तो चमक रहा है, फिर भी गुरुजी ने। फिर व्यासराज ने कनकदास से पूछा सबके सामने, बेटा सबका चमक रहा है, तुम्हारे लोटे का क्या हुआ? तो बोला नहीं गुरुजी, 10 मिनट का टाइम था, मैंने सोचा कि आप बोल रहे हैं कि आपको भगवान को भोग धराना है, भोग तो आप लोटे के बाहर नहीं लोटे के अंदर धराओगे, इसलिए मैंने अंदर बहुत मेहनत की और उसको चमका दिया। फिर व्यासराज ने जो है वो पीतल का लोटा उठाया और सबको दिखाया, अंदर में चमक रहा था इतना सुंदर। और फिर उन शिष्यों को बात समझ में आई। तो कभी कभी ना एज ए डिवोटी हम बाहर में बहुत चमका देते हैं अपने आप को, देखने में इतने अच्छे भक्त लगते हैं और शायद आसपास के लोग भी हमें बोलना शुरू कर देते कि आप कितने अच्छे भक्त हो, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है ना कि आपके व्हाट इज़ हैपनिंग विथ योर हार्ट दैट द डॉक्टर नोज, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द हार्ट दैट ओनली कृष्णा नोज।
आपकी हार्ट की क्या है वो तो एक कार्डियोलॉजिस्ट बता देगा, लेकिन आपके हार्ट के अंदर में क्या हो रहा है वो सिर्फ भगवान बताएगा। तो जो भक्त है वो सूची है, अंदर से भी बाहर से भी, वो अंदर से भी अपने अनर्थ पे वर्क कर रहा है। ही डजंट वॉन्ट टू रिमेन डर्टी, वो शुद्ध होना चाहता है, वो साफ होना चाहता है। उसका मतलब क्या, कोई जो भक्त होता है उसको बुरे विचार नहीं आते, आते हैं, उसको भी बुरे विचार आ सकते हैं, लेकिन वो बुरे विचार को अपने अंदर में रहने नहीं देगा, साथ ही साथ में उसको बाहर फेंक देगा। से आप कभी देखिए, आप किसी पार्टी में गए हो, कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई फ्रूट जूस पीते पीते एकदम साड़ी पे गिर जाता है, क्या करोगे, सीधा वो वहाँ पे पार्टी में ही वॉशरूम में जाके पहले से उसको साफ़ कर दोगे। क्यों साफ़ करोगे, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ फ्रूट जूस के दाग ऐसे होते हैं, 5-10 मिनट हो जाएगी तो उसके बाद में वो दाग साफ़ ही नहीं होगा, ऐसा ही आपका साड़ी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। आप कितने केयरफुल होते हो कि साड़ी में दाग ना लगे, आप साथ ही साथ उसको साफ़ कर देते हो। उसी तरह से भक्त भी बहुत केयरफुल होता है, जैसे ही कोई बुरा ख्याल आता है साथ ही साथ उसको साफ़ कर देता है, क्योंकि उसको पता है अगर साथ ही साथ साफ़ नहीं करूँगा ना तो ये दाग बना के चला जाएगा, मेरे भक्ति जीवन में दाग करके चला जाएगा ये खराब विचार, ये गंदा विचार। तो साथ ही साथ वो भागता है उसको साफ़ करने के लिए, राइट। सी कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में सडनली कुछ गेस्ट आ गए, घर पूरा शायद पिछले रात कोई पार्टी हुई, घर पूरा गंदा पड़ा है, सडनली गेस्ट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में सब कुछ साफ़ करोगे, और कभी कभी क्या करोगे ना, कपड़ों को फोल्ड भी नहीं करोगे, बस ऐसे वैसे करके अलमारा में रख दोगे, बाहर कहाँ दिखाई देगा, वो सब तो अंदर में है। कुछ चीज़ें वो बेड के नीचे, पलंग के नीचे डाल दोगे, और गेस्ट सोचेंगे अरे इसका घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन 2-4 घंटे के बाद क्या होगा, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सड़ा हुआ सफरजन, सड़ा हुआ जो एप्पल था या जो सड़ा हुआ, आपने उसको पलंग के नीचे छुपा दिया है। फिर क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है भूल भी जाते हो, क्योंकि साफ साफ लग रहा है, सब कुछ साफ लग रहा है, आप भी भूल जाते हो कि आपने पलंग के नीचे कुछ कचरा रख दिया था। और फिर 2-3 दिन के बाद जब वो सड़ी हुई स्मेल आती है ना, तब आपको याद आता है कि अरे कहाँ से स्मेल आ रही है। उसी तरह से हमारे मन में भी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ गंदे विचार या कुछ विचार जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, वैसे विचार हम मन में रख देते हैं, और फिर बार बार से हमारा जप आरती प्रोग्राम प्रचार सब कर लेते हैं, उसके बाद ना चांटिंग में मन नहीं लगता, अंदर में आनंद नहीं आता, फिर समझ में आता है कि अरे कहीं से तो बास आ रही है, कुछ मैंने मेरे अंदर में छुपाया हुआ है जिसको मुझे साफ़ करना है। तो जो भक्त होता है वो उतनी देर वेट ही नहीं करता, वो जैसे गंदा विचार आता है उसको तभी का तभी साफ़ कर देता है। तो भक्त वो है जो सूची है, अंदर से भी और बाहर से भी। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षा। सी एक प्रैक्टिकल टिप मैं दे सकती हूँ ये जो सूची रहने के लिए, कभी ऐसा कोई विचार आए जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विथ समबडी, जो आपके मेंटर है, जो आपके गुरु है, जो आप वरिष्ठ वैष्णव है, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ छुपाते हैं ना वो बढ़ती है ना, इसलिए तो कभी कभी ना लोग बताते नहीं उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, छुपा के रखते हैं। तो कभी कभी हमारे विचार हम अगर छुपा देंगे ना तो बढ़ जाएंगे, बेटर टू शेयर ओपनली, किसी को भी जिसके साथ आप फ्री फील करते हो, जिसका आप शेल्टर ले सकते हो, उसको अगर आप कन्फेस करोगे ना ये प्रॉब्लम है, तो वो आपकी मदद करेंगे उस विचार को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट है दक्ष। जो भक्त है वो दक्ष है, दक्ष माने एक्सपर्ट है, एकदम सक्रिय है, एकदम अलर्ट है। अब आप बोलेंगे अच्छा भगवान के प्रिय भक्त होने के लिए हमें दक्ष होना पड़ेगा, किस में दक्ष हो माता जी, मैं तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं भगवान की प्रिय भक्त नहीं बन सकती। एक्सपर्ट माने किस में एक्सपर्ट, ये बात समझने की कोशिश करिए। एक्सपर्ट माने ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे अच्छा तुम अगर कुकिंग में एक्सपर्ट हो ना तो तुम्हारे प्रिय भक्त हो, अगर तुम गार्लैंड मेकिंग में एक्सपर्ट हो मेरे, अरे तुम बहुत अच्छा बोलते हो तो तुम मेरे प्रिय भक्त हो, नहीं नहीं, एक्सपर्ट किसी फील्ड ऑफ एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक्सपर्ट माने तुम एक्सपर्ट हो माया से बचने में, तुम एक्सपर्ट हो, तुम अलर्ट हो। माया जो कोशिश करते रहती है ना बार बार तुम्हारे जीवन के अंदर में प्रवेश करके तुम्हें भक्ति से दूर ले जाने के लिए, वो भक्त बहुत दक्ष होता है, कोई भी प्रोवोकेटिंग सिचुएशन में वो नीचे नहीं गिर जाता, वो माया से बच के रहता है।
सी माया जो है वो भक्तों को बहुत बड़ा धोखा देती है। सी माया जो है ना, कभी किसी भक्त को ये नहीं बोलती है कि आप जप मत करो। माया तो बोलेगी आप जप करो, लेकिन अभी मत करो, कल कर सकते हो ना। बस ऐसे करके माया चीट करती है। अब जप करना अच्छा होता है, पर अर्जेंट तो नहीं है ना, बाद में भी तो कर सकते हो। और ऐसे करते करते क्या करती है ना माया, हमारी प्रायोरिटीज़ लिस्ट में जप करना, भक्ति करना, सेवा करना को कहीं नीचे फेंक देती है, नीचे भेज देती है। और फिर धीरे धीरे वो हमारे लिस्ट के नीचे था, कब लिस्ट से बाहर चला गया पता ही नहीं चलता। तो जो दक्ष होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है, अलर्ट होता है, कैसी भी सिचुएशन हो वो माया से धोखा नहीं खाता, वो बहुत होशियार होता है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। वो हमेशा शांत होता है, सक्षम, सक्रिय, उत्तम भाव वाला होता है, राइट। नेक्स्ट क्वालिटी है उदासीन। उदासीन माने नॉट इन्वॉल्व्ड। उदासीन माने जो चिंता से मुक्त है, जो डिटैच्ड है, जो नॉट इन्वॉल्व्ड है, उसको बोलते उदासीन। से उदासीन माने, आसीन माने बैठना, उदासीन माने जो हमेशा ऊपर बैठता है। उसका मतलब चेयर के ऊपर बैठता नहीं, ऊपर बैठना मतलब वो हमेशा ऊंचे भावों में रहता है। उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी जागृति हमेशा ऊंची होती है, वो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता है। सी मैं आपको बताऊँ, आप वृंदावन जाना चाहते हो, आपने IRCTC की वेबसाइट खोली टिकट बुक करने के लिए। सपोज़ आपको कोई टिकट नहीं मिली, ना कन्फर्म, ना RAC, ना वेटिंग लिस्ट, क्या आप अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में चले जाएंगे वृंदावन? आप बोलेंगे नहीं नहीं माता जी, अनरिजर्व्ड में कैसे जाए, इतने लोग, भीड़ भाड़। अब आज की नहीं मिली तो कल की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक महीने की बाद की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में तो नहीं जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं? बात है कि नहीं? आप बोलेंगे ना भाई हमारा भी कोई स्टेटस है, हम कैसे चले जाए अनरिजर्व्ड में। उसी तरह से जो भक्त होता है ना, उसका भी एक स्टेटस है। कैसी भी सिचुएशन जीवन में आ जाए, वो नीचे भावों से नहीं गिरता है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, नहीं इतना तो मैं नीचे नहीं गिर सकता, मैं भक्त हूँ भगवान का, तिलक पहनता हूँ, कंठी माला है, मैं जप करता हूँ, मैं उतना अपने कॉन्शियसनेस में कभी नहीं गिर सकता। तो ये है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो बस सीधा नीचे गिर जाएगा भक्ति से, नहीं। कैसी भी सिचुएशन हो वो हमेशा सक्षम रहता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, तो उसे कहते उदासीन। सी भक्त इसीलिए भी उदासीन होता है क्योंकि ही इज़ इन ए डिवाइन अफेयर विद द लॉर्ड। सी कभी कभी ना आप ट्रेन में ट्रैवल करिए ना, आप कभी कभी देखिए जो नवविवाहित होते हैं ना कपल्स, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता, बस वो एक दूसरे के सामने देखते रहते हैं, होता है ना ऐसा। अरे यहाँ इतना शोर हो रहा है, कोई गिर रहा है, कुछ हो रहा है, वो एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं, एक दूसरे में ही बस बात करते रहते हैं, यहाँ कितना भी शोर हो, राइट। उसी तरह से जो भक्त होता है ना, ही इज़ इन ए डिवाइन अफेयर विद द लॉर्ड, इसलिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसका मन तो भगवान के ऊपर है, भगवान का मन उसके ऊपर में है। तो ये है उदासीन, जो शांत होता है, जो अनइन्वॉल्व्ड है, जो कोई चिंता में नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस ऑल्सो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें भगवान बोलते गता व्यथा। जो भक्त होता है ही इज़ फ्री फ्रॉम एन्जाइटी, चिंता रहित है। अब ये तो होना ही है, ये सारे कनेक्टेड पॉइंट्स है। अगर कोई दक्ष है, अगर कोई एक्सपर्ट है, तो उसको चिंता क्यों होगा? जो एक्सपर्ट भक्त है वो क्या करेगा, वो अपने 16 राउंड्स रात को 10 बजे तक पेंडिंग नहीं रखेगा, वो सुबह ही कर लेगा ब्रह्म मुहूर्त में, वो हर चीज़ परफेक्टली करेगा, फिर चिंता क्यों होगी, राइट। जो दक्ष नहीं है वो ये सब काम करता है, रात तक राउंड्स पेंडिंग है, बिस्तर लगा हुआ है, अरे मेरे राउंड्स बाकी रह गए। लेकिन जो दक्ष, सी इट्स ऑल ए कंटिन्यूइंग थिंग है, ये सारे जो गुण है, अगर आप दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, अगर आप माया से विचलित नहीं होते हो, तभी तो आप सुचि रहोगे। अगर माया आपको नहीं छुएगी तो आप पवित्र रहोगे। अगर आप पवित्र हो तो आप में कोई इच्छा ही नहीं आएगी, तो आप अनपेक्ष रहोगे। अगर आप अनपेक्ष हो, आप में कोई डिज़ायर्स नहीं है, तो आप विचलित नहीं होंगे। अच्छा, अगर आप विचलित नहीं होंगे तो आप योगी बनोगे, भगवान से जुड़े रहोगे। अगर आप योगी हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो आप में अहंकार नहीं आएगा, तो आप निरहंकारी बनोगे।
समझ में आ रही ना, हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर एक स्टेप रॉन्ग जाता है तो फिर बैक 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 आपकी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो हर एक चीज़ कनेक्टेड है, हर एक गुण से कनेक्टेड है। तो जो गता व्यथा माने, जिसको कोई चिंता नहीं है, वो हर परिस्थिति में शांत है। और भगवान का भक्त इसीलिए भी शांत होता है क्योंकि उसकी ड्राइविंग सीट में भगवान बैठा है, राइट? उसकी इसी ड्राइविंग सीट में कितने लोग बैठ सकते हैं, आप मुझे बताइए। एक ही ना, बस पक्का ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक ही सीट में। सी आपको पता है, हम पिछले साल गए थे शारजा प्रचार के काम से, तो वहाँ पे ना ऐसा रूल है कि गाड़ी में पीछे, जैसे इंडिया में ना ड्राइवर तो एक ही है, लेकिन पीछे गाड़ी में ठूस ठूस के कितने भी लोग चाहे बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम है, बस आगे दो पीछे दो, ड्राइवर की सीट में एक बैठ सकता है, उसके पास में एक और पीछे दो जने, तीन जने को भी नहीं बैठने देते। ऑफकोर्स हमारे इंडिया में ऐसा रूल नहीं है, इतने लोग एक छोटी मारुति 800 में भी तो 7-8 जने एक के गोद में बैठ जाएंगे। लेकिन कितना भी ठूस ठूस के बैठे, ड्राइवर के सीट में तो इंडिया में भी एक ही बैठता है, ड्राइवर की सीट में दो नहीं बैठते। तो जब हमारे ड्राइवर की सीट में भगवान बैठे हैं, तो फिर हम चिंता क्यों करें? हम अननेसेसरी अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करें। भगवान जब हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें चिंता क्यों होनी चाहिए? सी एक गांव में ना एक नवविवाहित जोड़ा था, कपल था। अब नवविवाहित कपल मतलब क्या होता है, सब भोजन पे बुलाते रहते हैं ना, हमारे घर आओ, तो वे भोजन के लिए किसी ने बुलाया तो जा रहे थे। अब गांव में क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव छोटी छोटी नदियाँ होती है, तो वो नदी में जो है एक नौका में जा रहे थे। अब बीच में क्या हो गया, एकदम तूफान बारिश, नदी में एकदम बाढ़ आ गई, सब कुछ हिलने लगा। अब अभी अभी शादी हुई है, तो पत्नी ने कहा कि आपको डर नहीं लग रहा है? तो पति ने हंसते हुए क्या किया ना, उसके हाथ में एक थैला था, तो थैले में से एक चाकू निकाला और अपनी पत्नी के गले के पास रखा और पूछा कि तुमको डर लग रहा है? अब पत्नी हंसने लगी, आप अगर चाकू पकड़ेंगे तो मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, आप तो मेरी रक्षा करेंगे। तो पति ने कहा, उसी तरह से ये जो भगवान है ना, जो ऊपर बैठे हैं, ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए नौका चाहे कितनी भी हिले, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि वो मेरे श्रेय अभिलाषी है, वो मेरी रक्षा करेंगे। जो भगवान के भक्त को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ड्राइविंग सीट में जो है भगवान बैठे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चले जाएंगे, सर्व आरंभ परित्यागी। जो भगवान का भक्त होता है वह सर्व आरंभ परित्यागी है। अब आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, मतलब क्या वो कोई चीज़ आरंभ नहीं करता? नहीं, वो कोई चीज़ वासना से आरंभ नहीं करता, वो कोई चीज़ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आरंभ नहीं करता, वो करता है कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि वो श्रम नहीं करेगा या कोशिश नहीं करेगा, करेगा, लेकिन गुरु के लिए, वो गुरु के लिए अपना 200% एंडिवर करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भक्त का एक गुण है सर्व आरंभ परित्यागी। सी दिस इज सो साइंटिफिक, बिकॉज हम तो शरीर है ही नहीं, और शरीर जो भी हो रहा है ये तो शरीर कर रहा है, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं, और हम तो आत्मा है, तो फिर हम कहाँ से करेंगे कुछ भी आरंभ, है ना। बस भाव का बदलाव, भाव के बदलाव की ज़रूरत है। हमें कर्ता भाव नहीं रखना है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं, इसलिए भक्त तो कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ भगवान करवा रहे हैं। तो सर्व आरंभ परित्यागी। सी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है, क्या वो चीज़ों को ठंडा करता है, क्या वो चीज़ों को गर्म करता है? आप बोलेंगे माता जी इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ भी नहीं करता, जो गैजेट है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो गैजेट करता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में जाएगी तो चीज़ों को ठंडा करेगी, अगर ग्लीजर में जाएगी तो गर्म पानी निकालेगी। इलेक्ट्रिसिटी बाई इट्सेल्फ कुछ नहीं करते, जिस चीज़ में उसको डाला गया है उसके अनुसार काम करता है। उसी तरह से आत्मा तो कुछ नहीं करते, जिस शरीर में है वो शरीर करता है, लेकिन हमें ये कर्ता भाव है ना, मैं कर रहा हूँ। जिस दिन ये कर्ता भाव निकल जाएगा, उसका मतलब हम भी इस गुण में ठीक बैठ जाएंगे, सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। तो कर्ता भाव को हमें बाहर निकाल देना है।
डिवोटी इज चॉइसलेस, डिवोटी जो है भगवान का निमित्त मात्र है, वो कुछ नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं, ना हर्षति ना द्वेषति। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अवर नेक्स्ट श्लोका, यहाँ पे है, यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने समे प्रियः। तो नेक्स्ट श्लोक में हम आ गए हैं जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना हर्षति ना द्वेषति, ना हर्ष होता है कोई आनंद, ना द्वेष, ना भक्त को कोई शोक होता है, ना सोचति कोई पश्चाताप नहीं होता है, ना कांक्षति कोई इच्छा नहीं होता है। तो ये है मेरे प्रिय भक्त के गुण। ये भी काफ़ी कनेक्टेड है हमारे पिछले पॉइंट के साथ। भक्त जो है वो केवल भगवान के हाथ में कठपुतली है। कठपुतली कुछ करती है अपने आप से? पपेट शो कभी देखा है आपने? कुछ नहीं करती, वो ऐसे ही रहती, बस उसको हाथ पैर सब बांधा हुआ है, ऊपर से जो है पपेटर होता है ना, जो पपेट शो करता है, वो सब कुछ कठपुतली को चलाता है। तो बस भक्त जो है उसका जीवन ऐसा ही है, भगवान उसको चला रहा है और वो इस बात को जानता है, इसलिए वो चिंता नहीं करता। करेक्ट। अगर कठपुतली ये समझने लगी अरे पापा मुझे ही करना है तो प्रॉब्लम है। अगर उसको समझ में आ जाए कि मेरे को क्या करने में खड़ा रहना है बाकी सब, ये बहुत सुंदर एक भजन है ना, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम क्या करें, भगवान की कृपा से जो हो रहा है भगवान के आदेश अनुसार हो रहा है, हम सिर्फ सामने दिखाई दे रहे हैं, पीछे से हमारी जो बैटरी है, क्या बोलते हैं, एवर रेडी बैटरी, बैटरी तो ठाकुर जी की है, वो जिस दिन बैटरी निकाल देंगे हम बंद हो जाएंगे, जिस दिन बैटरी डाल के थोड़ा सा हमारी चाबी डाल देंगे तो हम बातें बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन पूरी एनर्जी जो पीछे से भगवान की, जो भक्त है उसे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू दी लॉर्ड, इसलिए उसे कोई हर्ष द्वेष कुछ नहीं होता, बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन दी लॉर्ड, भगवान का शरणागत है वो। हमारे गुजरातियों में ना एक बहुत सुंदर भजन है, मेरा काफ़ी फेवरेट भजन है, नहीं उसमें मन से बात कर रहा है भक्त, भक्त मन से अपने चित्त से बोल रहा है, बोलता है, चित तू से धनी चिंता करे कृष्ण ने करवो होए ते करे, चित तू से धनी चिंता करे कृष्ण ये करवो होए ते करे। भक्त अपनी मन से बोल रहा है किस बात की तुम चिंता कर रहे हो, तुम क्या चिंता कर रहे हो, कृष्ण को जो करना है वो करे, जो भक्त है ना उसको कृष्ण पे प्यार है ना, इसीलिए वो ऐसा बोलता है, मुझे क्या, मैं किस लिए बैठ बैठ के चिंता करूँ, कृष्ण को जो करना है करने दो, कृष्ण को जो करना है करने दो, उनकी मर्जी, मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ। नेक्स्ट गुण में चले जाते हैं, शुभ अशुभ परित्यागी। जो भक्त होता है ही इज़ नॉट अटैच, ये ऑस्पिशियस है, ये शुभ है, ये अशुभ है, उसको ही इज़ क्या बोलते हैं ना, ही इज़ कृष्णाइज्ड, वे हर चीज़ वो कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, उसको कोई ये शुभ है ये अशुभ है ये अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए शुभ मुहूर्त, बस वो जिस जब वो कृष्ण से कनेक्टेड है वही मोमेंट उसके जीवन की ऑस्पिशियस मोमेंट है, जब वो कृष्ण से डिसकनेक्टेड है वही मोमेंट उसके जीवन की इनऑस्पिशियस मोमेंट है, बस दैट्स अबाउट इट, और कुछ शुभ अशुभ उसके जीवन में नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे, समा शत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संगा विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेता स्थिरा मते भक्तिमान मे प्रियो नरः। बहुत बहुत ही सुंदर पॉइंट बोल रहे हैं कि जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, सी यहाँ पे अब आपका ना कैसे संभाव में रहना है उसके बारे में कृष्ण बोलेंगे।
यहाँ बोलेंगे सम शत्रु च मित्रो च, माने व्यक्ति के साथ संभाव रखो, वो तुम्हारा शत्रु हो या मित्र हो। फिर बोलेंगे मान अपमान, तुमको मान दिया जाए या अपमान दिया जाए, माने परिस्थिति में संभाव रखो। फिर बोलेंगे शीत उष्ण, मतलब ठंडी हो या गर्मी हो, उसका मतलब शरीर में के साथ में संभाव रखो। फिर बोलेंगे सुख हो या दुख हो, उसका मतलब मन में संभाव रखो। बस अब यहाँ से इनका पूरी स्टोरी शुरू होती है संभावना की। हर सिचुएशन में तुम्हें तुम्हारा भाव स्थिर रखना है, समभाव में रहना। डिफ़िकल्ट है ना, स्पेशली सम शत्रु च मित्रो च। अरे मित्र के साथ शत्रु के साथ समान भाव से कोई रह सकता है? अरे भाई आपको VVIP का फेवरेट बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? आप कोई नॉर्मल पर्सन की फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी नॉर्मल पर्सन की फेवरेट होने की बात नहीं हो रही है। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की अगर आप फेवरेट भक्त बनना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा भक्त प्रिय है जो शत्रुओं के साथ मित्रों के साथ समभावना में रहता हो। सी, आपको पता है रामायण में ना एक बहुत सुंदर बात आती है। सी, हमको पता है रावण ने जब सीता माता को हरण किया था, सीता माता का, और उसे अशोक वाटिका में रखा था, तो वहाँ पे जो राक्षसियाँ थी वो सीता माता को बहुत कष्ट देती थी। तो हनुमान जब मुद्रिका लेके आए थे तो उन्होंने देखा था कि ये लोग सीता माता को कैसे कष्ट दे रहे हैं। तो जब राम युद्ध जीत जाते हैं, हनुमान जी विभीषण जी के कहने पे पालकी लेके सीता माता को लेने जाते हैं अशोक वाटिका से, तो तब हनुमान जाके सीता माता को बोलते हैं कि माता अब तो हम जीत गए, अब अगर आप आज्ञा दो ना तो ये सारी राक्षसियों को मार डालूं, क्योंकि मुझे याद है ये आपको कैसे कष्ट देती थी, आपको डराती थी ये सीता, हम तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि राक्षस है ना वो लोग। तो सीता माता बोलते नहीं नहीं वरुण, तुम सबको गिफ्ट दो, मैंने सबको क्षमा किया। तो हनुमान बोलते आप कैसे कैसे ऐसे कैसे क्षमा कर सकते हो, इन्होंने आपको कितना कष्ट दिया। फिर सीता माता एक बहुत सुंदर कहानी बताती है हनुमान को। वो बोलती है हनुमान तुम ऐसी बात कर रहे हो, क्या तुम वो भालू की और शेर की कहानी नहीं जानते? तो हनुमान बोलता है कौन सा भालू कौन सा शेर? और फिर सीता माता बोलती है कि देखो एक बार एक ऐसा बात हो गई जंगल में, शिकारी ना शेर का शिकार करने आया था। अब वो शेर का तो क्या शिकार करेगा, शेर उसके पीछे पड़ गया, तो शिकारी जाके एक झाड़ पे बैठ गया। अब शेर क्या किया, उस झाड़ पे जिस पे शिकारी बैठा हुआ था वहाँ एक भालू बैठा हुआ था। तो शेर ने क्या किया, भालू से कहा देखो हम दोनों जंगल में रहते हैं, भाई भाई है, ये बाहर से आया है, आज मेरा शिकार कर रहा है, कल तुम्हारा शिकार भी कर सकता है, एक काम करो तुम इसको धक्का मारो, मैं उसको खा लेता हूँ। अब भालू ने कहा ये ठीक नहीं होगा, मेरे झाड़ पे आया है, मेरे आश्रय में आया है, मैं उसे धक्का नहीं मार सकता। शेर शिकारी के साथ बात करने लगा, बोला देखो शिकारी भाई मेरे को तो भूख लगी है, तुमको खाओ या भालू को खाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक काम करो इस भालू को धक्का मारो, मैं उसको खा लूँगा, मेरा काम खत्म। शिकारी ने बोला बढ़िया बात, अभी धक्का मारता हूँ। उसने भालू को धक्का मार दिया। अब भालू को धक्का मारने के बावजूद भी वो पेड़ इतना बड़ा था कि भालू नीचे गिरा नहीं, वो दूसरी शाखा पे गिर गया, तो फिर से ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब शेर भालू के पास गया, बोला भालू भाई देखा ना आपके साथ में क्या हुआ, शिकारी ने आपके साथ में क्या किया, अब कम से कम इस शिकारी को नीचे धक्का मारो, मैं उसको खा लेता हूँ। अब भालू ने बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोला क्यों नहीं करोगे, तुम्हारे साथ उसने क्या किया, तुमको समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात? तो भालू ने बहुत सुंदर बात बोली, बोला उसने मुझे धोखा दिया, धक्का मारा, वो उसका स्वभाव है, मैं उसे माफ़ कर दूँगा, आश्रय दूँगा, ये मेरा स्वभाव है। अब उसके स्वभाव के लिए मैं मेरा स्वभाव क्यों बदलूंगा? Why should I change my nature for him? No, I want to be like this. तो ये है भक्त। टिट फॉर टैट करने के लिए वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, वो हमेशा सुख में दुख में शत्रु के साथ मित्र के साथ सबके साथ समभाव में रहेगा। नहीं इसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसके साथ बुरा करूँ, ये मेंटालिटी भक्त की नहीं होती है। सम शत्रु च मित्रों च, हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के साथ में समभाव। नेक्स्ट पॉइंट में भगवान बोलते हैं मान अपमान, बहुत बड़ी बात है ना। आजकल लोगों को फिजिकल पेन से भी ज़्यादा अगर कोई कुछ बोल दे, उनका अपमान कर दे तो सहन नहीं होता है ना। बोलते माता जी धक्का मार देंगे तो भी चलेगा, चलो कोई एक दो हाथ उठा ले, लेकिन अपमान करेंगे तो नहीं सहन होता। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो मान अपमान में भी समभाव में हो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मान अपमान में समभाव, बोलेंगे माता जी थोड़ी सी मुश्किल नहीं है,
मान देते तब तो ठीक है, आप बोलेंगे तो कंट्रोल करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा लगता हो, जब आपको कोई प्रेस कर दे आप कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा बोलते हो, आप कितने अच्छे लगते हो, तो अच्छा तो लगता है, ठीक है हम कंट्रोल करेंगे, नहीं वी हैव टू बी समभाव। लेकिन अपमान के टाइम पर समभाव कैसे, बुरा लगता है, अरे मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है, सबके सामने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, कितनी बड़ी बात बोल दी। छोटी सी बात बताती हूँ, अगर इसको आप याद रखेंगे ना आप हमेशा समभाव में रह पाएंगे। आप जब साड़ी की दुकान में जाते हो, आपको सेल्समैन साड़ियाँ दिखाता है ना, अलग 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 साड़ियाँ दिखाता है। कभी कभी ना कुछ लेडीज़ ना शॉपिंग से ज़्यादा विंडो शॉपिंग करती है, कहीं भी कुछ नहीं खरीदेगी, यहाँ इससे 2 घंटा ख़राब करेगा, इसका सारी साड़ियाँ जितनी है देख लेगी, फिर बोलेगी एक्चुअली ना मुझे कलर पसंद नहीं आया, फिर दूसरी दुकान में जाएगी, वहाँ भी 2 घंटा ख़राब करेगी, बाकी बोलेगी अच्छा चलो फिर टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, आज की शॉपिंग ख़त्म, लेंगी कुछ नहीं, बस घूमते रहेगी। कभी कभी ना सेल्समैन को ना आता है गुस्सा, 2 घंटा ख़राब किया, एक एक साड़ी खुलवाई, अब सारे फोल्ड करके वापस रखना पड़ेगा। लेकिन कभी क्या सेल्समैन कस्टमर को गाली देता है? नहीं देता है। क्यों नहीं देता गाली? क्योंकि ना उसके माइंड में एक ही बात है, अब मुझे इस कस्टमर के साथ क्या लेना देना, मंथ के एंड में, महीने के एंड में मेरी सैलरी तो ओनर देगा, और ओनर ना वो जो गल्ले पे बैठा रहता है ना बिल काउंटर पे, उसकी नज़र सेल्समैन पे ही होती है। अब अंदर से कितना भी गुस्सा आए ना, वो स्माइलिंग करके देखिए ना भाभी जी, और साड़ी देखिए और देखिए, क्योंकि उसको है कि मुझे तो खुश करना है मेरे बॉस को। अगर बॉस देखेगा कह रही ये तो बहुत प्यार से, अभी देखो इतना 2 घंटा वेस्ट किया फिर भी कितना प्यार से, कोई बात नहीं मैडम कल आ जाइएगा आपके लिए रख लेता हूँ साड़ी। ओनर जब खुश हो जाता है तो उसका काम बन गया, तो क्योंकि महीने की एंड में जो सैलरी मिलेगी वो तो ओनर देने वाला है, कस्टमर नहीं देने वाला है। बस इसी बात को हमारे जीवन में हमें याद रखनी है कि हम जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, मीठा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहा है, वो हमारे ओनर देख रहे हैं, हमारे मालिक श्री कृष्ण भगवान, और जीवन के एंड में सैलरी तो वही हमें देने वाले हैं। बाकी के जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे साथ पलट के अच्छा व्यवहार करे ना करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तो उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, बस हम चलते चलते उनको मिल गए हैं इस जन्म में, अगले जन्म में फिर किसी और के साथ में चल पड़ेंगे। बस ये तो एक ना, ये तो एक क्या बोलते हैं, आप कभी कभी ट्रेन में प्लेन में कुछ लोग आपके साथ में जर्नी में मिलते हैं ना, और फिर जर्नी ख़त्म होने पे वे उतर जाते हैं, वे अपने घर चले जाते हैं, आप अपने घर चले जाते हो, बस इतना ही है हमारा रिलेशन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, टेम्पररी। हमारा एक्चुअल रिश्ता तो हमारे ठाकुर जी के साथ है, और वो देख रहे हैं हमारा स्वभाव, हमारा चलन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार कैसा है, और अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो हमें तनख्वाह देंगे, वो हमारा वेतन देंगे, वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे। बस इतनी सी बात हम याद रखें ना, तो मान अपमान में भी हम समभाव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी आ गई है अभी शीतोष्णा, शीत उष्णा माने ठंडी में गर्मी में समान भाव से रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करते, थोड़ी सी बस कोई चेंजेस आ जाए तो कितनी कंप्लेन, नहीं वो बोला गया है ना, बाय द रूल मैन इज़ ए फूल, व्हेन इट इज़ हॉट ही वांट्स इट कोल्ड, व्हेन इट इज़ कोल्ड ही वांट्स इट हॉट, ऑलवेज वॉन्टिंग दैट विच इज़ नॉट। मतलब जैसे गर्मी की सीज़न आएगी ना, कितनी गर्मी है बाप रे, ऐसा सब लोग बोलेंगे, किसी को भी आप फ़ोन में भी बात करो ना, बारिश कब शुरू होगी पता नहीं, जैसे बारिश आएगी ना, कितना बारिश, कपड़े नहीं सूखते आजकल, अरे बाप रे तंग हो गए बारिश से। जैसे ठंडी की सीज़न आएगी ना, क्या ठंड है, मेरे तो एकदम ना गले में दर्द हो गया, इतनी सर्दी हो गई। अरे आपको चाहिए क्या, ना आप ठंड में खुश है, ना आप गर्मी में खुश है, ना आप बारिश के सीज़न में खुश है, ये हमारा नेचर है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज वांटिंग दैट विच इज़ नॉट। अरे बाबा जो सीज़न आती है मज़ा करो ना, गर्मी आती है थोड़ा सा आइसक्रीम खा लो, बारिश आती है थोड़े से गरम गरम पकौड़े खा लो, है ठंड है तो थोड़ा सा कंबल पहन के गरम गरम सा बॉर्नविटा पी लो, Why can't you just live in present and be happy? तो जो भगवान का भक्त है वो तो हर परिस्थिति में खुश है, बस हर परिस्थिति में वो enjoy करता है, क्योंकि वो भगवान से connected है। तो शीत उष्ण ठंडी हो या गर्मी हो वो समभाव में रहता है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे सुख दुख, इसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके, मन में भी संभाव में रहते हैं, सुख की परिस्थिति हो दुख की परिस्थिति हो वो जानते हैं कि सुख अभी आया है, थोड़ी देर के बाद फिर दुख आएगा, दुख के जाने के बाद सुख आएगा, जैसे रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सी
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है। उसमें ना वे एक श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, वे बोलते हैं तत्तेनुकंपा सुसमेक्षमानो। मेरा ये बहुत ही फेवरेट श्लोक है, क्योंकि नहीं, ये श्लोक में मुझे क्या अच्छा लगता है मैं बताती हूँ। उस श्लोक में ना भगवान बता रहे हैं कि जो टॉलरेट करता है ना वो मुझे बहुत प्रिय है। जो सी हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा सुखी रहोगे, कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा दुखी रहोगे। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के साथ वो कनेक्टेड है। तो ठाकुर जी को ब्रह्मा इस स्तुति में ब्रह्मा बोलते कि ठाकुर जी जो दुख में सुख में समान भाव से ऐसा सोचते हुए सहन करता है कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, और ऐसा सोचते हुए आपकी दया के लिए प्रतीक्षा करता है, ऐसा भक्त आपके दया का पात्र बन जाता है। और उस श्लोक के कमेंट्री में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जस्ट लाइक ए सन, जो बेटा होता है, अगर उसके पिताजी गुजर जाते हैं तो पिताजी की जितनी भी जायदाद होती है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अब बेटे को आ जाती है। उसके लिए उसको कोई डिफरेंट प्रयत्न या प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, उसे एक चीज़ करनी पड़ती है, उसे जिंदा रहना पड़ेगा, दैट्स अबाउट इट। अगर वो जिंदा रहेगा तो काफ़ी है, क्योंकि उसके पिताजी के जाने के बाद उस सारी प्रॉपर्टी इसको ही मिलने वाली है। उसके लिए उसे कोई स्पेशल प्रयत्न नहीं करना है, उसे सिर्फ जिंदा रहना है। और श्रीधर स्वामी बोलते हैं उसी तरह से एक भक्त को कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ भक्ति जीवन में जिंदा रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, कभी सुख की कभी दुख की, वो भक्ति ना छोड़े, सिर्फ भक्ति जीवन में जिंदा रहे, बस फिर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ वो भगवत धाम जाएगा, भगवान के पास, भगवान का दया पात्र बन जाएगा। बस कितनी सरल बात है, वी जस्ट नीड टू वेट। जिस तरह से ना कभी कभी हम जैसे कोई भीड़ वाली ट्रेन में होते हैं या कोई भीड़ से भरी हुई बस में होते हैं, फिर भी हम सोचते रहे कोई बात नहीं, बस एक घंटे की तो बात है, ऐसे तैसे ये सफ़र निकल जाए और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। बस उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब सुख दुख आता है, बस हमें यही सोचना चाहिए, बस ऐसे तैसे ये समय निकल जाए, उसके बाद तो मुझे भगवत धाम जाना है, क्योंकि मैंने सहन किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ समभावना रखते हुए, तो हम भगवान के दया पात्र के योग्य बन जाएंगे। नेक्स्ट आ गया है पॉइंट संग विवर्जिता, माने जो भक्त होता है वो कुसंग नहीं करता, वो जो है दूषित संग नहीं करता, बैड एसोसिएशन में नहीं रहता, वो हमेशा अच्छे एसोसिएशन में रहता है। सी इसके काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। एक तो दी एक्चुअल एसोसिएशन, मतलब वो भक्तों से ही एसोसिएशन करता है, वो सांसारी लोगों से एसोसिएशन नहीं करता, या वो जो लोग अच्छे गुण वाले नहीं हैं ऐसे लोगों से संग नहीं करता, ठीक है। इसकी गहराई में भी एक मतलब है, मतलब वो गलत भावनाओं के साथ भी संग नहीं करता। सी आजकल क्या हमें बोला जा रहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, एक मीटर की दूरी पे रहो। जो भक्त है वो डिस्टेंस तो मेंटेन करेगा ही, जो अभक्त है, जो अवैष्णव है, उससे दूर रहेगा, वो मेंटली भी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, मतलब दुर्भावनाओं को दुर्विचारों से भी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, वो हमेशा सद्भावना में सद्भावों के साथ संग करेगा। और वो मिथ्या टाइटल या आइडेंटिफिकेशन के साथ में नहीं जोड़ेगा अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, जो भक्त है वो ये नहीं सोचता आई एम अमेरिकन, आई एम गुजराती, यू आर बंगाली, यू आर तेलुगू, ऐसी उसकी कोई भावना ही नहीं है। उसके लिए हम सब एक शुद्ध आत्मा है, हम सब भगवान के सेवक है, हम सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। बस उसके लिए सबकी एक ही पहचान है, और अपने खुद की भी उसकी यही पहचान है। तो वो अपने आप को कुसंग में नहीं डालता, अपने आप को मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं देता, ही इज़ इन द राइट आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सो संग विवर्जिता मतलब ये भी होता है कि अपने मन को ये गलत संगति में, ये गलत भावना में मत डालो, मैं ये हूँ, मैं सो एंड सो फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरा इतना एजुकेशन है, मैं सो एंड सो मेरा बायोडाटा, नहीं, तुम्हारी एक ही आइडेंटिफिकेशन है, तुम कृष्ण के भक्त हो, तुम कृष्ण के दास हो, और फिलहाल तो कृष्ण के फेवरेट बनने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं,
तुल्य निंदा, स्तुति और निंदा। स्तुति और निंदा, स्तुति मतलब जब कोई आपकी प्रेज कर रहा हो। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, जो मेरा प्यारा भक्त है, अगर आप उसकी स्तुति करो, वाह वाह आप कितने महान हैं, तो भी समभावना। अगर अगर आप उनकी निंदा करो, आप तो ऐसे हो वैसे, तो भी समभावना। स्तुति में भी और निंदा में भी वे समान भाव से रह सकते हैं। हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग गुजराती परिवार से हैं और प्राय भागवत सप्ताह सुनने बहुत जाते थे, छोटे छोटे थे तो सप्ताह प्राय गुजराती फैमिलियों में एक प्रथा है। सब अपने अपने रेगुलरली जो है घर में सप्ताह करते हैं, 7 दिन की किसी को बुलाएंगे, साधु संत को, और भागवत सुनेंगे। तो मुझे याद है हम ना एक संत की कथा सुनने जाते थे, काफ़ी रेगुलरली जाते थे, नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। और वो इतने पॉपुलर थे, उनको हजारों लाखों चिट्ठी आती थी उन दिनों में। उन दिनों में तो ईमेल व्हाट्सएप नहीं होता था ना, बहुत लोग उन्हें चिट्ठी लिखते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस संत ने अपने पूरे जीवन काल में वो एक भी चिट्ठी खोल के पढ़ी नहीं। अब बहुत लोगों ने पूछा कि आप चिट्ठी पढ़ते क्यों नहीं, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपको पता है चिट्ठी में क्या होता है, सिर्फ दो चीज़ होती है, एक तो या तो मेरी प्रशंसा होती है, जहाँ पे लोग बोलते हैं आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप जो बोलते हैं तब सुनने का दिल करता है, आप इतना मीठा कृष्ण कथा बोलते हैं, तो मुझे मेरी स्तुति सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। और सेकेंड चीज़ होती है खत में, मेरा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे आशीर्वाद करिए, मेरे सास के साथ प्रॉब्लम है, मेरे इसके साथ प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में मुझमें क्षमता नहीं है, तो अब मैं चिट्ठी पढ़ के क्या करूँ, उनका प्रॉब्लम तो भगवान ही सॉर्ट आउट कर सकता है। इसलिए मैं वो सारी चिट्ठियाँ जाके मेरे गोपाल जी के पास रख देता हूँ और बोलता हूँ इनका प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो जो स्तुति करते हैं, मेरी सुनने में मेरी इंटरेस्ट नहीं है, और जो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने में मेरे में क्षमता नहीं है, इसलिए मैं भगवान के पास में रख देता हूँ। इतनी प्यारी बात, मेरी इतनी दिल को छू गई, कितनी, ये है भक्त, ये है भक्त, समभाव। आप उसकी स्तुति करो या उसकी निंदा करो, वो समभाव में ही रहता है, ये भक्त का ये है। सी, भक्त स्तुति निंदा में समान रहता है, और वो किसी की निंदा करता भी नहीं है, बहुत केयरफुल रहता है। ये जो निंदा है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो हम उसके कर्म ले लेते हैं। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, वो सोचते क्या हो गया अगर मैंने किसी के बारे में बात कर ली तो, राइट। स्पेशली ये जो गॉसिप करने की महिलाओं में ज़्यादातर ये आदत होती, मुझसे गुस्सा मत हो जाइएगा मैंने ये बात कही, लेकिन आई थिंक इट्स बाई नेचर, यू नो, घंटों घंटों तक जो है किसी न किसी की चर्चा लेके बैठ जाएंगे, और पूरा 2 घंटा चर्चा करने के बाद करें, बात का जो लाइन होता है ना, उनका एंडिंग लाइन बोलेंगे, हमको क्या, छोड़ो ना आप, वो लोग ऐसे ही है। अरे मैडम, आप अभी तो 2 घंटा तक उसके बारे में बात किया, लास्ट में बोल देते हमें क्या, उनका वो जाने। नहीं, उसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कल फिर कंटिन्यू करेंगे एपिसोड 2, आज के लिए ख़त्म हो गया हमारी चर्चा, कल हम फिर शुरू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म किया। तो जो भक्त होता है वो प्रजल्प नहीं करता, वो किसी की निंदा नहीं करता, उसको ज्ञान है। जब आप किसी की निंदा करते हो, स्पेशली वो पर्सन आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो शास्त्र में कहा गया है कि आप उसके जो बुरे कर्म उसने किए होंगे ना, वो आपको अब भुगतने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र हो जाता है एकदम, अकाउंट टू अकाउंट जैसे ट्रांसफ़र होता है ना आजकल, एकदम नेफ्ट में आप पैसा ट्रांसफ़र, बस वैसा ही कर्म ट्रांसफ़र होता है। आप किसी की निंदा करोगे तो ट्रांसफर। अच्छा, आप अगर किसी की स्तुति करोगे, पद्म पुराण में कहा गया है जिसके बारे में आप बात करते हो ज़्यादातर, तो उसका 1% क्वालिटी आप में आ जाएगा। उसका मतलब अगर हम सब समय भगवान के भक्तों की या भगवान की चिंता करें तो उनके बारे में चर्चा करें, तो अच्छे क्वालिटी जो है भक्त की या भगवान की, वो हम में आ जाएगी। तो बहुत बहुत हमें केयरफुल रहना है, हमें यहाँ वहाँ की जो अननेसेसरी बातें हमें जो है नहीं करनी है। और सी, कभी कभी मन में लग सकता है, मतलब जी मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मेरी निंदा कर रहा है, फिर भी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। कभी कभी ना कुछ मैं देखती हूँ, जैसे कुछ कुछ भक्त ना, वे कभी किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन अगर उनकी कोई बिना फिजूल की निंदा करेंगे ना, तो गुस्सा हो जाते, हाउ डेयर, मैंने कभी कुछ किया नहीं, मेरे बारे में ऐसा कैसे। सी, मैं एक सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ, हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा वैलिडेशन, हमारा सर्टिफिकेट बाहर की दुनिया से चाहते हैं। ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें बहुत ज़्यादा चिंता है।
लेकिन जो भक्त होता है ना, उसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो इंट्रोस्पेक्शन करता है। अच्छा, ये मेरी निंदा भी करे, लेकिन क्या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सी, आपको पता है, कभी कभी ना, इमेजिन आप डाइटिंग कर रहे हैं, वज़न उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और उस टाइम पे अगर आपको कोई बोल दिया, अरे आपने तो काफ़ी वज़न कम कर दिया, बहुत पतले लग रहे हो, अब आपको उनकी बात माननी चाहिए कि आपको वेट मशीन में जाके अपना वेट देखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शायद ऐसा कोई वेट कम, उतना तो कम नहीं हुआ है, आपको खुश करने के लिए बस ऐसे ही बोल देते, नहीं नहीं पक्का अच्छे लग रहे हो, वज़न काफ़ी कम हो गया। उनकी बात पे विश्वास नहीं करना है, आप जाके वेट मशीन में चेक करो आपका वेट कम हुआ है कि नहीं। बस उसी तरह से संसार में आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं, डोंट वरी सो मच। आपके गुरु क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपका इंट्रोस्पेक्शन करिए। अच्छा, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैंने ऐसे किया है, कोई सीनियर से आप गाइडेंस ले लो, क्या मुझ में ये दुर्गुण है, मुझे आप मदद करिए बस। बट ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसको लेके बैठ गए। डोंट वरी सो मच अबाउट व्हाट पीपल आर दे सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अफेक्ट हो रहे हो, मतलब वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका भगवान के साथ में संबंध जुड़ गया है, तो वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, वो भजन नहीं है। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। क्या काम है आपको दुनिया वालों के साथ, टेम्पररी है, राइट, दे आर टेम्पररी। जस्ट लाइक आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे आपके साथ में यात्री होंगे, आर दे सो इम्पोर्टेंट फॉर यू कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, हमें क्या है उनके साथ, हमारा डेस्टिनेशन आएंगे तो हम उतर जाएंगे, बस ये भाव में हमें रहना है। हमें क्या है कोई हमारी निंदा करे, कुछ भी करे, हमें विचलित नहीं होना है, समभाव में हमें रहना है। और जब हमारी स्तुति करे तब चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना है, अरे बाप रे आप कितने अच्छे, आप ही मुझे समझ पाए हो इस दुनिया में, कितना अच्छा बोलते हो मेरे बारे में, नहीं नहीं दोनों में समभाव रहना है, राइट। जब कोई ज़्यादा ज़्यादा प्रेस करे तो वहाँ से भी निकल पड़ना है कि ये कुछ मुझे ज़्यादा ही चने के झाड़ पे। सी, प्रॉब्लम ये है ना, अगर आप अब मेरे सामने आप खड़े हो, मैंने आपको धक्का मारा, आप गिरेंगे, आपको लगेगा नहीं उतना। अगर आप झाड़ के ऊपर में चढ़े हुए हो, उसके बाद मैं आपको धक्का मारूंगी ना, तो एकदम गिरेंगे और लगेंगे बस। कभी कभी ना लोग हमें चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद में फिर छोटा सा धक्का मारते तब बहुत लगता है, इसलिए झाड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई ज़्यादा स्तुति करे तो भी हमें झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, फिर हम गिरेंगे ही नहीं, चढ़ोगे तो गिरोगे ना, समझ में आई बात, इस समय केयरफुल रहना। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, मौनी। भक्त मौनी होता है, हाँ भाई मौनी रहेगा। अब जब उसको दुनिया में किसी के साथ काम ही नहीं है तो क्या बात करेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं किसी से बात करने में, राइट। सी, एक एग्जांपल, आपको समोसे अच्छे लगते हैं खाने में, अच्छे लगते हैं, समोसे अच्छे बनाने आते हैं, नहीं माता जी इतना, वो लड्डू गोपाल में ना स्वीट इंडिया की दुकान में इतने टेस्टी समोसे होते हैं बिना प्याज लहसुन के, मज़ा आ गया। सी, अगर लेकिन अगर आपको घर में समोसे बनाने आते हैं तो क्या आप दुकान से खरीदेंगे, नहीं, नहीं आते हैं तो खरीदेंगे, करेक्ट। बस यही बात है, भक्त को अपने अंदर में इतना आनंद मिल रहा है क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है, उसे बाहर में किसी से बात करने की कोई खास इच्छा नहीं होती है, क्या बात करें। इतने से ऐसे मैंने कई बार, मुझे भक्त बोलते हैं जब मैं बोलती ना भागवत पढ़ो, तो शुरू में तो थोड़ा सा उनको कष्ट लगता है, अरे दिल नहीं करता, नींद आ जाती, लेकिन एक बार जब भागवत पढ़ते रहते हैं ना कंटिन्यूस, एक अभ्यास हो जाता है ना, तब कई बार मुझे भक्त आके शेयर करते कि माता जी जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तब बीच में जब किसी का फ़ोन आता ना तो अच्छा नहीं लगता, अरे क्यों फ़ोन आया, कितना इंटरेस्टिंग था, क्या हो रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, क्योंकि आप अभी जुड़ गए हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको टेस्ट आ गया है। बस यही बात है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना, वो किसी से भी बात करेगा ना तो उसको लगेगा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है मेरा, ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या बिना फिजुल के क्या बात करें, आपने क्या खाया आज, मैंने क्या खाया, आपके घर में काम वाली आई है आज, अच्छा मेरे घर में तो नहीं है, क्या करेंगे ये सारी बातें करके। तो जो भक्त है वो समय नष्ट नहीं करता। जी, मौनी मतलब ये नहीं है कि साइलेंट, मौनी मतलब वो कृष्ण के सिवाय और कुछ बात नहीं करता। जब वो बात करेगा बस, तो उसके मुँह से कुछ भगवान से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, भक्त से रिलेटेड, बस ऐसी ही बात निकलेगी, क्योंकि उसको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है।
क्योंकि उसका भगवान के साथ में रिश्ता बन गया है। से आप ना कभी कभी आप देखिए कुछ नवयुवक होते हैं ना, नवयुविता, आप एक 18, 20, 21, 22 साल, कभी कभी ना उनको किसी पे आपकी भाषा में बोलूँ तो क्रश हो जाता है, या कुछ ना थोड़ा सा कोई प्रेम हो गया, आप देखिए उनका बिहेवियर ना बिल्कुल अलग होता है। वो खाते खाते भी ऐसे मंद मंद मुस्काएंगे, आप पूछेंगे क्या हुआ, स्माइल कर, अच्छा मैं स्माइल कर रही थी, पता नहीं, अच्छा मैं स्माइल कर रही थी क्या, पता नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वो आपके साथ ही है लेकिन अंदर अंदर ना कुछ और सोच रहे हैं, क्या बात की थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे, क्या बात की थी, कल क्या बात करूँगी, इतनी सारी विचार आते हैं। बस यही है भक्त का भी, इतना ज़्यादा भगवान के साथ जुड़ गया है ना कि उसके बाद में संसार में रहता है, सब कुछ करता है, कि खास कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बात करते हो तो आपके सामने देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है आपकी बात में। मन में तो उसको यही लग रहा है, बस जल्दी ख़त्म करो, मेरे को आज भागवत के दो पेज बाकी रह गए, मेरा चैंटिंग रह गया, मेरे को सो कनेक्टेड टू दी लॉर्ड। सो मौनी मतलब आर्टिफिशियली मौनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, साइलेंट, बिकॉज मैंने देखा है कई कई आश्रमों में मौन रहने की दीक्षा दी जाती है, बोला जाता है 10 डेज साइलेंस 15 डेज साइलेंस ना, फिर उस आश्रम में ना वो लोग कार्ड लगा के घूमते हैं, आई एम इन साइलेंस, सो उसका मतलब कि मुझसे बात मत करिए, मैं साइलेंस जो है साइलेंस में हूँ। तो उन्हें 10 दिन का 15 दिन का ऐसा एक योग दिया जाता है कि आप साइलेंस में रहो, फ़ायदा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ उन गले का आराम है, मन में तो हज़ारों बात चल रही है, मन में तो साइलेंस है ही नहीं, मन में तो शोर हो रहा है, सो मच नॉइज़, किस चीज़ का शोर हो रहा है, वासनाओं का शोर, अनर्थ का शोर, कितनी सारी भावनाओं का शोर, कोई पीस नहीं है, सिर्फ गला शांत है, मन शांत नहीं है, फिर लाभ क्या है। मैंने देखा है जब हम छोटे थे ना, तो कभी कभी हमारे घर में कुछ ब्राह्मण आते थे, भोजन देते थे, कभी कभी ना कुछ ब्राह्मण मौन व्रत लेके आते थे। अब जब मौन व्रत लेते हैं और उनको अगर आपको खाना परोसना पड़े, इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ना वो लोग अब इशारे में कुछ बोलेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप वो क्या बोल रहे, क्या चाहिए उनको, लड्डू चाहिए कि पूरी चाहिए कि कचौरी, पता नहीं। सी मौन का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली मौन ले लो और अंदर में तो इतना सारा, सी मौन मतलब डम शैरड खेलना नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं मौन मतलब डम शैरड, अब डम शैरड गेम दिन में एक बार नहीं, अब जो है 10 दिन तक हम डम शैरड खेलते रहेंगे, इशारे में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अरे भाई तुमने मौन लिया क्यों जब तुम्हें इतनी सारी इच्छा है। मौन मतलब कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सरल भाव से सिर्फ भगवान से कनेक्टेड बात करना, बस यही है मौनी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अच्छा संतुष्ट हो गया, ओके, तो हम अब आ गए मौनी में। मौनी के बाद में आता है संतुष्ट। संतुष्ट के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, रिपीटेड हुआ है जब भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है वो संतुष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। एक्चुअली मैं तो सोचूं सारे क्वालिटीज़ में ये क्वालिटी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा जो स्वभाव बन गया है ना, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, वी डोंट वांट टू गिव, वी वांट टू टेक, हमें हमेशा चाहिए। पिछले दिनों में ना एक आदमी ना एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाले के साथ झगड़ा करके बैठ गया। क्यों झगड़ा किया? उसने बटर खरीदा, घर पहुँचा, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में फ़ोन किया और उसको गाली देना शुरू कर दिया। बोला क्या हुआ? बोला बटर के साथ जो फ्री है तुमने दिया नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ने बोला भैया बटर के साथ कुछ भी फ्री नहीं है, झूठ बोल रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है तुमने नहीं दिया फ्री। अब बोला भैया आप ऐसे मुझे फ़ोन में गाली दोगे तो कुछ नहीं होगा, वो बटर पैकेट पकड़ के आ जाओ दुकान में, मैं आपका सॉर्ट आउट करता हूँ। गया बटर पैकेट लेके, दुकान वाले ने बोला बताओ कहाँ लिखा है फ्री। बोला ये देखो बटर पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तुमने दिया नहीं मुझे, लिखा हुआ है ना कोलेस्ट्रॉल फ्री। ये हमारी मेंटालिटी, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, संतोष नहीं है, हमें सबसे में चाहिए, किंतु जो भक्त है वो हमेशा संतुष्ट है, राइट। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कल भी। नेक्स्ट पॉइंट है, ओ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनिकेता। निकेता माने क्या है? निकेतन माने घर, अनिकेता माने होमलेस, जिसका घर नहीं है। अब आप बोलेंगे ये कैसी शर्त रखी है भगवान ने, अपने फेवरेट डिवोटी बनने के लिए हमें होमलेस होना पड़ेगा, हमें हमारे, हम तो घर में रहना चाहते हैं माता जी, हम होमलेस नहीं रहना चाहते। आई एक्सप्लेन यू, ये होमलेस की बात क्या है। अनिकेत माने जो भक्त है
उसका घर छोटा नहीं होता, उसका घर बहुत बड़ा होता है। मतलब उसका घर है वसुदेव कुटुंबा, वो एक घर में नहीं है, उस पूरा संसार उसका घर है, पूरा संसार उसके कुटुंब के लोग है, उसका परिवार है, ये है अनिकेता। अनिकेता तो भगवान बोलते मुझे ऐसा भक्त प्रिय है। फिजिकली अगर हम होमलेस या घर के बाहर ना भी रह सके, जैसे साधु पुरुष गोस्वामी लोग रहते थे ना, गोस्वामी लोगों की कोई झोपड़ी थी, कुछ भी कुटीर भी नहीं थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, वो तो कुटीर भी नहीं बनाना चाह रहे थे, सनातन गोस्वामी ने उनको डांटा कि तुम्हारी कुटीर होनी चाहिए। तो जो भक्त है शुद्ध भक्त है, हाँ वो अनिकेत है, कुछ नहीं है उनका अपना इस संसार में, वो एक झाड़ के नीचे भी रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्रस्तुत परिस्थिति है शायद हम उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे आचरण ना कर पाए, लेकिन कम से कम हम अपनी भावना से तो अनिकेत रह सकते हैं ना। उसका मतलब घर में रहते हुए भी ये घर मेरा है ऐसा नहीं मानना है, ये घर भगवान का है, ये घर कृष्ण का है, मैं कृष्ण के घर में रहती हूँ, मैं कृष्ण के घर में रहती हूँ, मैं उसके दासी हूँ, तो इसलिए उसका घर साफ रखती हूँ, उसका घर शुद्ध रखती हूँ, ये भाव से हमें रहना है। घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर आप में नहीं रहना है। सी नौका पानी के ऊपर में तैरती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पानी नौका के अंदर आएगा तब आप डूब जाओगे। आप घर में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर आपके मन में नहीं रहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मंदिर भी आते हो तो लेकिन आप अपने मन में घर को लेके आते हो। कभी कभी ना मैं देखती हूँ माताजी लोग प्रवचन सुनती तो है, शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन जो है वो घर में है, है ना, मन घर में है। अरे चावल गैस पे रख के आई हूँ, अरे चने भिजाना था, कल छोले की सब्जी बनानी है, पूरा माइंड जो है घर में है। तो होता है कि नहीं, बहुत बार ऐसा होता है ना, फिज़िकली हम प्रेजेंट होते हैं, मेंटली हम कहीं और होते हैं। कभी कभी तो मन चप्पल पे भी होता है, इसलिए मैं कभी कभी ना भक्तों को बोलती हूँ, मेरे प्रवचनों में भी बोलती हूँ, कृपया करके मंदिर आए ना तब नए चप्पल पहन के मत आइए, क्योंकि नए चप्पल पहन के आते हो आपका मन प्रवचन में नहीं चप्पल में ही होता है, नया चप्पल है रख के आई हूँ, पता नहीं कोई ले तो, क्योंकि मंदिर ना चप्पल की चोरियों के लिए मंदिर फेमस होते हैं, चप्पल की चोरियाँ मंदिर में ही होती है। तो मैं बोलती हूँ भाई आप पुराने चप्पल पहन के आओ, लेकिन कम से कम मन से प्रवचन में बैठो, मन चप्पल में मत रखो, मन भगवान में रखो। तो हमारा मन तो ऐसा है, चंचल है, तो कभी कभी हम यात्रा में भी जाते हैं वृंदावन मायापुर यहाँ वहाँ, लेकिन हमारे घर को मन के अंदर में उठा के लेके जाते हैं। नहीं, आप घर में रह सकते हो लेकिन घर आपके मन में नहीं रहना चाहिए। आप पैसा कमा सकते हो, आप पैसा पॉकेट में रख सकते हो, पैसा आपके हृदय में नहीं रहना चाहिए। सो बस इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल बात, अनिकेत ये मेरा घर है, बस उस भावना से हमें ऊपर उठना है। सी एक बार ऐसा हुआ ना, एक भिखारी किसी घर में भिक्षा मांगने गया, तो घर की जो बहू थी उसने दरवाज़ा खोला, भिखारी को डांट दिया, बोले तुम यहाँ फिर से मत आना, हम नहीं देते किसी को कुछ भी दान, डिस्टर्ब मत करो, बेल मत मारो। अब जब भिखारी चला जा रहा था तो सामने से ना उस घर की जो मालकी जो सास है वो सामने मिल गई, मंदिर से दर्शन करके आ रही थी, तो भिखारी ने बोला अम्मा कुछ दान दे दो, अभी अभी आपके घर से आया, आपकी बहू ने मुझे डांट दिया। अब सास ने बोला मेरी बहू की इतनी हिम्मत, उसने तुमको डांट दिया, वो होती कौन है, तुम आओ अब भी मेरे साथ आओ, चलो जस्ट नाउ। भिखारी इतना खुश हो गया, उसके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही घर तक पहुंच गया, वो सास घर के अंदर चली गई, बोली मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, तुम बेल मारो मैं खोलूँगी। बोले ठीक है, अंदर चली गई, भिखारी ने बेल मारा, सास ने दरवाज़ा खोला, ज़बरदस्त गाली दे के उसको डांटा भिखारी को, बोला नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ पे आओगे कभी हमारे घर में बेल मत मारना, हमें डिस्टर्ब मत करना। अब इसने बोला कि लेकिन अभी अभी तो आपने बोला कि तुम मेरे साथ आओ। सास ने बोला नहीं नहीं, मैंने तुमको इसलिए आने के लिए बोला क्योंकि मेरी बहू कौन होती है तुमको डांटने के लिए, घर तो मेरा है ना, मैं डांटूंगी, मैं गाली दूंगी तुमको, वो कैसे तुमको गाली दे सकती, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। बस ये भावना से हमें ऊपर उठना है, मेरा घर है, बस ये भावना से। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो कभी कभी होटल में गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है ना, तो आप कैसी भावना से रुकते हो होटल में गेस्ट हाउस में, आपको पता है ये मेरा घर नहीं है पर मैं यहाँ रहता हूँ। कभी ऐसा होता है कि दो तीन दिन के बाद जब आप होटल से घर वापस जा रहे हो तो आप रिसेप्शनिस्ट को गले मिलके रोते हो, या आपको इनविटेशन कार्ड प्रिंट करते हो, अभी मैं ये जरा ये घर छोड़ के ये होटल का रूम छोड़ के जा रही हूँ,
नहीं माता जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये होटल का रूम है और हमें इसको छोड़ के जाना है, बस उतनी सी भावना। हम रह सकते हैं आलीशान से आलीशान घर में भी रह सकते हैं, भावना ये होनी चाहिए कि ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का है, कभी भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं, हाँ लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। स्थिरमति, स्थिरमति जो भक्त होता है उसकी मति स्थिर है, मतलब उसकी मति रति गति भगवान श्री कृष्ण है और वो कभी भी उससे वेवर नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार निश्चय कर लिया मतलब कर लिया। सी कभी कभी ऐसा होता है ना, लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम होता है ना, फिर लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखते हैं, उसके बाद में फिर दोनों अलग से बात करते हैं, फिर अगर उनके हॉरोस्कोप भी मिल जाते हैं तो फिर सेकंड मीटिंग अरेंज करते हैं, फिर सेकंड मीटिंग में फिर से बात करते हैं, होता है ना, और फाइनली फिर क्या होता है, फाइनली फिर जब लड़का बोलता है मुझे लड़की पसंद है, लड़की बोलती है मुझे लड़का पसंद है, तब क्या होगा, पिताजी ना लड़की को पूछेंगे पक्का पसंद है, हाँ बोल दूँ, एक बार हाँ बोल दूँगा ना, उसके बाद में फिर मैं बात पीछे नहीं ले सकता, एंगेजमेंट के कार्ड्स प्रिंट कर दे, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज, पूछते हैं ना ऐसा, क्योंकि एक बार हो गया उसके बाद में पीछे नहीं। बस उसी तरह से जो भक्त होता है उसकी मति स्थिर है, एक बार जो ये भक्ति में लग गया है, लग चुका है, अब उसकी मति यहाँ वहाँ वेवर नहीं होगी, अब उनकी जो मति है यहाँ वहाँ वेवर नहीं होती है, तो दिस इज स्थिर मति। तो भगवान बोलते ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है जिसकी मति गति रति मुझ में मुझसे जुड़ी हुई है और हर परिस्थिति में मुझसे जुड़ी हुई ही रहती है। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल श्लोका, लास्ट श्लोका में हम आ गए हैं। यहाँ पे भगवान बोलते हैं ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा धन मत परमा भक्तास्ते तिव मे प्रियः। सो यहाँ पे बोलते हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। द फाइनल कंक्लूजन, भगवान बोलते हैं कि जिनमें ये सारे गुण है, या तो जो ये सारे गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं विथ फुल फेथ श्रद्धा से, हाँ ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सच ए ब्यूटिफुल चॉइस लॉर्ड हैज़ गिवन अस कि इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव ऑल दिस क्वालिटीज, एटलीस्ट इफ़ यू आर ट्राइंग, अगर आप में ये सारे गुण नहीं भी है, कम से कम अगर आप कोशिश कर रहे हो ये सारे गुण अपनाने की और आपको इस गुणों पे श्रद्धा है कि हाँ ये गुण होने चाहिए, मुझे ये गुण चाहिए, तो भी भगवान आप पे बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। ये बात सुनने से थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इतना कठिन लग रहा है ये सारे गुण परिपूर्ण रूप से अपनाने में, तो कम से कम भगवान ने एक होप दी है कि कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम हमने इन 3 दिनों में जाना तो कि हमारा गोल क्या है, राइट। कभी कभी हम सोचते हैं भक्ति माने बस थोड़ा सा जप कर लिया या प्रसाद ले लिया या कीर्तन में नाच कर लिया, नहीं, भगवान के प्रिय बनना है तो हमारे व्यवहार पे आचार पे कितना हमें काम करना है, राइट। से अगर भगवान ने बोला होता ना कि जो 64 माला करता है वो मेरा प्रिय भक्त है, तो शायद आसान हो जाता। अगर भगवान ने बोला होता ना अगर कोई 50,000 गाय दान दे तो वो मेरा प्रिय है, तो शायद वो भी हम कोशिश कर लेते, मेहनत करते, पैसा कमाते, कुछ ना कुछ करके गाय दान देने की कोशिश करते। लेकिन भगवान ने कोई दान नहीं मांगा है, भगवान ने कोई पूजा पाठ नहीं बोला है, भगवान ने कोई ये नहीं बोला कि इतना जप करना है, कोई तपस्या नहीं मांगी है, कोई व्रत नहीं बोला है, बस भगवान ने इतना बोला है कि तुम्हारा व्यवहार बहुत सटीक होना है, तुम में ये सद्व्यवहार ये सद्भाव होने चाहिए, तब तुम मेरे प्रिय बन सकते हो। इमेजिन हमें कितना काम करना है इस पे, आसान नहीं है, शायद हम 64 माला भी कर ले, लेकिन ये गुण लाना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम गोल बना सकते हैं, हम रोज़ इसका पारायण कर सकते हैं, हम हमारे सेल में, किचन के वॉल पे, हमारे रूम में, डेस्क पे, कंप्यूटर में इसको हम
यू नो इस इन श्लोकों को, इन 35 क्वालिटीज़ को कहीं लिख सकते हैं और रोज़ उस पर मनन कर सकते हैं, रोज़ उस पर ध्यान दे के सोच सकते हैं कि भाई मैं कहाँ तक पहुँचा, मेरा रिपोर्ट कार्ड कहाँ तक पहुँचा, राइट। सी हम भगवान से इसलिए दूर नहीं हुए कि हम गोलोक वृंदावन में ना जब ठीक से नहीं कर रहे थे तो भगवान ने बोला अरे तुम्हारा 16 माला ठीक से नहीं होता, जाओ तुम नीचे जाओ। हम इसलिए भगवान से दूर नहीं हुए कि हम वहाँ पे प्रसाद नहीं ले रहे थे, हम भगवान से इसलिए दूर हुए क्योंकि हमें वहाँ पे भगवान पे ईर्ष्या हो रही थी। हम सोच रहे थे स्वामित्व भाव, मैं क्यों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूँ, भगवान क्यों, इसलिए हमें भगवान से दूर होना पड़ा। और अगर अभी भी हम उस ईर्ष्या पे काम नहीं करते हैं फिर फ़ायदा क्या होगा। हमें हमारे ईर्ष्या के रिपोर्ट कार्ड पे काम करना है, मेरी ईर्ष्या कितनी कम हुई, ये सारे जो गुण है मेरे में कैसे रूप में, कौन से स्टेज पे है, इच्छा रूप में है, क्या मुझे इच्छा हो रही है, क्या मैं अभ्यास कर रहा हूँ, क्या ये गुण मेरे अंदर में स्थिर रूप में है, क्या स्थायी भाव से है, क्या सिद्ध रूप में है, मैं कहाँ तक पहुँचा, मेरा रिपोर्ट कार्ड कहाँ तक पहुँचा। तो बस एज डिवोटीज़ इस एक दूसरे को हमें मदद करनी है, हम में से कोई परिपूर्ण नहीं है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, हम सब में खामियां है और ये हमारा गोल है, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब कम से कम हम जान गए हैं तो आज से लेके ना हम एक प्रण कर सकते हैं कि बस रोज़ इन गुणों पे मेडिटेट करेंगे, कोई जर्नल लिखेंगे कि हम कहाँ कहाँ कभी कभी नीचे गिर जाते हैं, कहाँ कहाँ हमसे गलती हो जाती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, दूसरे भक्तों की मदद लेंगे, प्रभु थोड़ी मदद कर दो, मेरी कहाँ गलती हो रही है, क्या मैं किसी की निंदा करता हूँ, क्या मैं विचलित हो रहा हूँ, क्या मैं निर्मम हूँ, क्या मुझ में अहंकार है, क्या मुझे संतोष है, क्या मैं द्वेष करता हूँ भक्तों पर, क्या मैं क्षमा कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्या मैं, ये सारे गुण पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बार बार इसको सुनना है, इस पर ध्यान लगाना है, इसका मनन करना है और हमारे जीवन में इसका आचरण करना है। यहाँ पे मैं आज मैं यहीं पे रोकूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंट हियरिंग, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब कृष्णा।